आपका पद्मेश न्यूज में, मैं हूं अर्चना मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले रुख करते हैं आज की हेडलाइंस पर। बैहर नगर परिषद के चुनाव में पार्टी प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले देवेंद्र उइके भाजपा से निष्कासित। पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण जुगल पांडे भी 6 साल के लिए निष्कासित। कलेक्टर डीवी सिंह ने 5 अधिकारियों पर लगाया 10,750 रुपए का जुर्माना। प्रभारी प्राचार्य ने पद से इस्तीफा देने 6 बार सौंपा नगर पालिका प्रशासन को आवेदन, नहीं मिली मंजूरी। मामला MGM स्कूल का। 18% GST टैक्स लगने पर शासकीय ठेकेदारों ने खोला मोर्चा। 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन कर जिला प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। कलेक्ट्रेट में हुआ हाईटेक जनसुनवाई का आयोजन, पीड़ितों की सुनी गई फरियाद। और PG कॉलेज में व्याप्त समस्या को लेकर NSDI ने सौंपा ज्ञापन। और अब समाचार विस्तार से। शासकीय ठेकेदारों पर 2% वैट टैक्स की जगह 18% GST लगाने के विरोध में सिविल कंस्ट्रक्टर एसोसिएशन बालाघाट के नेतृत्व में मंगलवार को शासकीय ठेकेदारों ने नगर के काली पुतली चौक में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ विरोध दर्ज किया। इस संबंध में एसोसिएशन के सचिव यूनुस खान ने बताया कि 1 जुलाई को सरकार ने संपूर्ण भारत में GST लगाया है। सरकार के साथ शासकीय ठेकेदारों का अनुबंध है, लेकिन उन्हें 2% वैट टैक्स की जगह 18% वैट टैक्स देना पड़ेगा, जबकि वे सरकार से पुराने अनुबंध के साथ आगे बढ़ रहे हैं। श्री खान ने कहा कि 1 जुलाई के बाद होने वाले अनुबंधों में वैट टैक्स लगना चाहिए। यदि सरकार इस विषय पर विचार नहीं करती तो आगामी समय में समस्त शासकीय निर्माण कार्यों को रोक दिया जाएगा। धरना प्रदर्शन के पश्चात समस्त शासकीय ठेकेदारों ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। बहुत जल्द जो है सारा मध्य प्रदेश स्तर पर पूरा काम बंद कर देंगे, इसमें त्वरित कार्रवाई की जाए और इस कार्रवाई से सबको अवगत कराया जाए, जैसा हमने ज्ञापन दिए हैं, जिसमें हमारी प्रमुख मांग है कि हमारे जो पुराने अनुबंध जो काम अभी चल रहे हैं, निर्माण काम, रोड निर्माण है, भवन निर्माण है, नाली निर्माण है, पुलिया निर्माण है, इन कार्यों पर जो 18% GST लगा दी गई है उसको तत्काल वापस ले लें, और जो हमारे अनुबंध में 2% का उल्लेख है उसके मुताबिक हम पर टैक्स लगाएँ, और जो भी नया अनुबंध होगा फिर उस पर वो लगाएँ। अगर सरकार बहुत जल्दी इस पर निर्णय नहीं करती है तो हम 11 तारीख को पुनः इसकी एक बैठक बुलाएंगे, 10 या 11 अगस्त को, और फिर संपूर्ण मध्य प्रदेश में काम बंद करने के ऊपर एक ठोस निर्णय पूरे प्रदेश के ठेकेदार मिलकर लेंगे। उसमें कलेक्टर कार्यालय में आमजन की समस्याओं के त्वरित निराकरण के मुख्य उद्देश्य को लेकर मंगलवार को हाईटेक जनसुनवाई का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में फरियादी अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे। कटंगी क्षेत्र अंतर्गत ग्राम मनेगांव की वृद्ध महिला कांताबाई ने बताया कि उसे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास स्वीकृत हुआ था, लेकिन दूसरी किश्त खाते में जमा न करते हुए उसे सेंट्रल ग्रामीण बैंक टेकाड़ी के प्रबंधन द्वारा ऋण वसूली के लिए किसान क्रेडिट कार्ड में डाल दिया गया। ग्रामीणों ने इस मामले में उचित कार्यवाही की मांग की है। समस्या हुई है कि वो माताराम को पैसे कुछ काट डाला है। हैं? माताराम को पैसे काट दिया है। काहे का पैसा था? वो प्रधानमंत्री का था। प्रधानमंत्री, अच्छा पहली किस्त कितनी मिली आपको? पहली किस्त मिली थी 40,000 रुपये। अच्छा जी, उसके बाद? उसके बाद में 75,000 रुपये की किस्त जो आई थी उसने भी इस पर इसका काट डाला था हमारा उस समय। अच्छा। वहीं ग्राम कुरेझोड़ी के ग्रामीणों ने आंगनवाड़ी केंद्र में कर्मचारी ना होने पर जिला प्रशासन से कर्मचारी नियुक्त करने की मांग की। आंगनवाड़ी क्रमांक कौन सा है? कहीं नहीं तो क्या आंगनवाड़ी केंद्र क्रमांक है? वहाँ पे मैं स्कूल ड्यूटी लगाना चाहती हूँ। अच्छा, अच्छा आप क्या हैं वहाँ पर, गांव के क्या हैं? मैं गांव की बहू हूँ। अच्छा, ये बताएं ये जो आंगनवाड़ी बंद है तो इससे क्या दिक्कत हो रही है आपको? वहाँ के बच्चे स्कूल में आते हैं और ऐसे ही चले जाते हैं। सुपरवाइजर बोली है साइका से कि तेरा ड्यूटी निकल गया है, तू बच्चे को दूर से बुलाना और खिला के भी जा देना। तो वहाँ पे तो राशन पानी कुछ नहीं है, समूह वाले भी नहीं हैं, सब यानी कि पीने वाले लोग हैं। अच्छा। तो वहाँ पर मैं ड्यूटी में खड़े होना चाहती हूँ, आंगनवाड़ी में पढ़ाना चाहती हूँ बच्चों को। वहीं ग्राम लबादा की निशक्त महिला ने जिला प्रशासन को ज्ञापन के माध्यम से अपनी समस्या से अवगत कराया।
दिव्यांग महिला ने बताया कि करीब 2 साल पहले एक दुर्घटना में एक पैर नहीं रहा, लेकिन अब तक कृत्रिम पैर की व्यवस्था नहीं हो पाई है। वहीं राशन की जमा पर्ची ना मिलने से वह काफी परेशान है। अच्छा, यहाँ पर जैसे पैर अगर आपको मिल जाता तो काफी सहूलियत होती, तो आपने चर्चा नहीं की? चर्चा की क्या बोला? जहाँ कैंप लगेगा वहाँ चले जाओ, यानी जब तक कैंप नहीं लगेगा आपकी स्थिति ऐसी रहेगी। हम 5 परिवार, पति पत्नी बच्चे भी हैं? बच्चे की, खेत से आ रहे थे। अच्छा, डंपर वाले ने कब की घटना ऐसे लहराते हुए चलाया? कब की घटना है ये? घटना हो गई 1.5 साल। नगरपालिका प्रशासन द्वारा संचालित महात्मा गांधी नगरपालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में प्रभारी प्राचार्य के पद पर पदस्थ एसके वाजपेयी के द्वारा पिछले करीब 3 वर्षों से प्रभारी प्राचार्य के पद से मुक्त किए जाने को लेकर नगरपालिका प्रशासन से गुहार लगाई जा रही है, लेकिन अब तक उन्हें प्रभारी प्राचार्य के पद से मुक्त नहीं किया गया। वहीं 3 वर्षों से अवकाश क्रमोन्नति भत्ता का लाभ ना दिए जाने से खफा प्रभारी प्राचार्य श्री वाजपेयी पिछले 2 वर्षों में 6 बार नगरपालिका को अपना त्याग पत्र दे चुके हैं, लेकिन अब तक नगरपालिका प्रशासन की ओर से उन्हें कोई जवाब नहीं मिल पाया है। दूरभाष पर चर्चा के दौरान प्रभारी प्राचार्य श्री वाजपेयी ने कहा कि वे प्रभारी प्राचार्य का दायित्व छोड़ना चाहते हैं ताकि अन्य वरिष्ठ शिक्षक को यह दायित्व सौंपा जाए। इसके लिए उन्होंने अब तक 6 बार आवेदन नगरपालिका प्रशासन को सौंपा है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इस संबंध में दूरभाष पर चर्चा के दौरान मुख्य नगरपालिका अधिकारी गजानन नाफड़े ने कहा कि प्रभारी प्राचार्य श्री वाजपेयी द्वारा 22 जुलाई को दिया गया आवेदन उन्हें प्राप्त हुआ है, जिस पर विचार किया गया था। नगरपालिका अध्यक्ष अनिल धुवारे के साथ नगरपालिका की आगामी बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा की जाएगी। लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत आवेदकों को चाही गई सेवाओं का लाभ समय सीमा में नहीं दिए जाने के मामले में कलेक्टर डीवी सिंह ने 5 अधिकारियों पर 10,750 रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की राशि और समय पर सेवाएं नहीं मिलने से प्रताड़ित हुए आवेदकों को प्रदान की जाएगी। कलेक्टर डीवी सिंह द्वारा परसवाड़ा के BMO डॉक्टर वासु क्षत्रिय पर 500 रुपये, कटंगी के तहसीलदार राय सिंह कुसराम पर 4250 जुर्माना लगाया गया है। इसी प्रकार वारासिवनी जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी AS श्रीवास्तव पर 500 रुपये, परसवाड़ा के तहसीलदार हिम्मत सिंह भवेदी पर 5,000 और वारासिवनी के डॉक्टर मनोज पांडे पर 500 रुपये का जुर्माना किया गया है। जुर्माने की यह राशि अधिकारियों के वेतन से वसूल कर समय पर सेवाएं नहीं मिलने से प्रताड़ित हुए आवेदकों को दी जाएंगी। कलेक्टर श्री सिंह ने आवेदकों की यह राशि समारोह पूर्वक दिए जाने के आदेश दिए हैं। वारासिवनी में 1 अगस्त को जनसुनवाई कार्यालय में 16 लोगों द्वारा अपनी समस्याएं अधिकारियों के समक्ष रखी गईं। SDM OP सनोडिया ने इन मामलों के निराकरण के निर्देश अधीनस्थ अधिकारियों को दिए। वारासिवनी के जयस्तंभ चौक पर गोवारी समाज द्वारा आम सभा का आयोजन किया गया। इस आम सभा को संबोधित करते हुए गोवारी समाज के पदाधिकारियों ने कहा कि यदि गोवारी समाज को जल्द ही अनुसूचित जनजाति वर्ग में शामिल नहीं किया जाता तो सभी पदाधिकारी राष्ट्रपति से इच्छा मृत्यु की मांग करेंगे। हमारा देश स्वतंत्र होगा 68 साल हो रहे हैं, लेकिन इस जाति को गोवारी के नाम से जाना जाता था और उसे गोवारी के लाभ से वंचित किया गया। ये बड़ी दुख की बात है। देश खत्म होने के बाद हमारा संविधान बना, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की सूची बनी, लेकिन यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने इस जाति के बारे में कभी सोचा नहीं। 26/7/2017 को बालाघाट कालीपुत्री चौक में नुक्कड़ सभा के माध्यम से शासन प्रशासन को जगाने का पुनः प्रयास किया और वहां हमने गोवारी समाज संगठन के माध्यम से राष्ट्रपति द्वारा हमने उनसे अनुरोध किया कि आपके द्वारा जो संविधान में जितनी भी जातियां हैं उसके अनुरूप हमें लाभ नहीं दिया जा रहा है। इसी संबंध में हमने उनसे निवेदन किया है कि हमारी जाति का निराकरण नहीं करेंगे तो हम आत्मदाह जैसी
घटनाओं को समाज के माध्यम से करेंगे तथा आगामी दिनों में हम राष्ट्रपति को एक ज्ञापन खून के माध्यम से लिखेंगे कि हमें इच्छा मृत्यु की इजाज़त दें। वारासिवनी के बाबा रामदेव पीर मंदिर में श्री राधा माधव सत्संग मंडल द्वारा सावन मास पर संगीतमय सुंदरकांड पाठ किया जा रहा है। 10 जुलाई से शुरू हुआ यह धार्मिक कार्यक्रम 9 अगस्त तक जारी रहेगा। मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षण विभाग के अंतर्गत आयोजित होने वाली विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में खिलाड़ियों के चयन की प्रक्रिया मंगलवार से शुरू कर दी गई है। इसी क्रम में मंगलवार को जिले के विभिन्न स्कूलों से फुटबॉल खिलाड़ियों को मुलना स्टेडियम बुलाया गया, जहां अंडर 14 और अंडर 17 के 18-18 फुटबॉल खिलाड़ियों का चयन किया गया। चयन प्रक्रिया के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान फुटबॉल प्रशिक्षक सुनील यादव ने बताया कि चयनित प्रक्रिया में खिलाड़ियों का चयन कर उन्हें सिवनी में 9 से 11 अगस्त तक आयोजित होने वाली संभाग और राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में पहुंचाया जाएगा। कोसमी के वार्ड नंबर 17 में मिट्टी से बना एक मकान अचानक धराशायी हो गया। मंगलवार को हुए इस हादसे में किसी भी प्रकार के जान माल का नुकसान होने की खबर नहीं है। मकान मालिक का नाम वार्ड नंबर 17 कोस्टी मोहल्ला निवासी देवराम बनवाले बताया गया है। मकान के धराशायी होने के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान मकान मालिक देवराम बनवाले ने बताया कि बारिश का पानी उनके घर में घुसने के कारण उनका मकान धराशायी हुआ है। उन्होंने मकान के पुनः निर्माण कराए जाने के लिए ग्राम पंचायत से मुआवजा दिए जाने की मांग की है। देवराम बनवाले कहाँ रहते हैं? मकान क्षतिग्रस्त, बरसात के दिनों में यहाँ पे पानी घुस जाता है, मिट्टी की दीवार है, पानी घुस जाता है पूरा, तो गीली हो जाती है। इस नमी की वजह से दीवार गिर चुकी है। हाँ, पहले से जर्जर थी क्या हालत? पहले से जर्जर नहीं थी, इस साल ज्यादा ही पानी घुस रहा है, रोड वोड सब सामने की ऊंची हो गई इस वजह से इस साल। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार सिंह चौहान के आदेशानुसार भाजपा जिलाध्यक्ष रमेश रंगलानी द्वारा बैहर नगर परिषद चुनाव में बैहर नगर परिषद के भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव लड़ने के कारण देवेंद्र उइके एवं पार्टी विरोधी कार्य करने पर जुगल पांडे, इन दोनों को भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से 6 वर्ष के लिए निष्कासित कर दिया गया है। श्री रंगलानी बताया कि श्री उइके एवं श्री पांडे द्वारा किया गया पार्टी विरोधी कार्य घोर अनुशासन हीनता की परिधि में आता है, अतः दोनों को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। रामपाली क्षेत्र के ग्राम भेंडारा में 3 लोगों ने एक महिला को लाठी से मारकर घायल कर दिया। घायल महिला प्रमिला लिल्हारे को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। पुलिस ने संतोष अशोक और धनराज लिल्हारे के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। मारपीट की यह वारदात नहर के पानी के विवाद पर हुई। क्या नाम है आपका? कहाँ रहते हैं आप? भेंडारा। संतोष ने और अशोक ने और धनु ने। ये कौन लगते हैं आपके? कोई नहीं लगते जी। तो क्यों मारपीट की इनने? हाँ, एक दो बाद इनके चौक पे हुई होगी पानी के मारे में। अब मैं घर में बैठी थी तो हमारे छप्पर में आके मारे हुए। किस पानी की बात को लेकर? हाँ, कहाँ का पानी है? खेत का। खेत के पानी को लेकर? हाँ, तो खेत का झगड़ा खेत में गया होगा उनका, तो उन्हें घर में आके मेरे को मार दिया। अपने विभिन्न मांगों को लेकर NSOI संगठन ने PG कॉलेज के प्रभारी प्राचार्य को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने व्यायाम शाला को शुरू किए जाने, ड्रेस कोड नियम लागू किए जाने और अतिथि विद्वानों की भर्ती कर अध्यापन कार्य शुरू किए जाने की मांग की है। साथ ही मांग पूरी न होने पर आगामी समय में NSOI के बैनर तले आंदोलन किए जाने की चेतावनी दी है। ज्ञापन के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान NSOI के जिला सह सचिव भरत चौरागड़े ने बताया कि कॉलेज में जिम का उद्घाटन किए हुए 2 महीने से भी अधिक का समय बीत गया है, लेकिन अब तक कॉलेज प्रशासन द्वारा जिम की सुविधा प्रदान नहीं की जा रही है। इसके अलावा विद्वान शिक्षकों की कमी के चलते अध्ययन कार्य प्रभावित हो रहा है। ड्रेस कोड सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा करते हुए उन्होंने मांग पूरी ना होने पर आंदोलन किए जाने की चेतावनी दी है। मेरा नाम भारत चौरागढ़ है, जिला सचिव भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन। आज विभिन्न मांगों को लेकर आपने ज्ञापन सौंपा है, क्या मांगें रखी गई हैं, क्या ज्ञापन में लिखा गया है और सर ने क्या कहा?
सर हमारा कहना ये है कि यहाँ पे दो हमारे ज्ञापन में लिखा हुआ है कि जो जिम है महाविद्यालय की 2 माह पूर्व ही उसको हमने अपने कैबिनेट मिनिस्टर द्वारा उद्घाटन किया गया था, लेकिन क्या हुआ 2 महीने पहले हमने ज्ञापन सौंपा था इसके पहले भी, लेकिन उसके तरफ से अपने प्रशासन द्वारा और यहाँ के कॉलेज प्रशासन द्वारा कोई भी कार्यवाही नहीं है। हमको सांत्वना दी जाती है कि अभी स्टार्ट कर दिया जाएगा, यहाँ पे जिम फैकल्टी नहीं है, इसके पहले भी हमको ऐसी बातें कही गई और जिसके कारण ये 2 महीने से नित्य चले आ रही है। बच्चे लोग बहुत परेशान हो रहे हैं कि उनका जिम जो खेलकूद के माध्यम से उनका अपना शारीरिक विकास होता है, लेकिन किसी भी प्रकार का कॉलेज प्रशासन द्वारा इसका ध्यान नहीं दे रहा है। वहीं ज्ञापन के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान पीजी कॉलेज प्रभारी प्राचार्य गोविंद सिरसाठे ने मामले की जानकारी प्राचार्य को दिए जाने की बात कही है। इस व्यायामशाला को प्रारंभ करने के लिए बच्चों ने ज्ञापन सौंपा है और इसके लिए क्यों विलम्ब हो रहा है तो प्राचार्य महोदय को इससे अवगत करा देंगे और शीघ्र इसीलिए इस पर व्यायामशाला शुरू करने का प्रयास करेंगे। सर कुछ बच्चों ने पढ़ाई भी ना होने की बात कही है, क्लासेस नहीं लग रही है, क्या वजह? नहीं, ये तो क्लासेस लग रही है और कैरियर गाइडेंस की भी क्लासेस लग रही है और जो एक दो क्लास नहीं लग रही है वो अतिथि विद्वान की भर्ती नहीं होने की वजह से है, बाकी नियमित स्टाफ प्रवेश प्रक्रिया में लगा हुआ है और इसके बाद अपनी कक्षा। सावन महीने के पावन अवसर पर जिला मुख्यालय सहित अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन किए जा रहे हैं। इसी क्रम में मंगलवार को शहर के हृदय स्थल हनुमान चौक स्थित हनुमान मंदिर में कीर्तन भजन और 108 हनुमान चालीसा पाठ का आयोजन किया गया, जिसमें श्रद्धालु भक्तों का तांता लगा रहा। चौक स्थित श्री पिपलेश्वर महादेव मंदिर में 10 जुलाई से आयोजित 121 महामृत्युंजय पाठ का मंगलवार को समापन किया गया। समापन के इस अवसर पर मंदिर परिसर में हवन पूजन और विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। मंदिर में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों के संदर्भ में जानकारी देते हुए समाज सेवी अंजू कसार ने चर्चा के दौरान बताया कि पिपलेश्वर मंदिर में 21 दिनों तक भगवान भोलेनाथ का रुद्र अभिषेक किया गया है और मूर्ति का विसर्जन 9 अगस्त को किया जाएगा। भंडारा भी तैयारी चल रही, भंडारा भी आज ही हो जाएगा और मूर्ति का विसर्जन जो रहेगा वो 9 तारीख को रहेगा। सावन मास के अवसर पर बूढ़ी स्थित शिव मंदिर में अखंड रामायण पाठ का आयोजन किया गया। इस अखंड रामायण पाठ के समापन अवसर पर अनेक धार्मिक अनुष्ठान हुए। मंदिर ट्रस्ट का सदस्य हूँ। यहाँ प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी श्रावण मास में अखंड रामायण का पारायण किया जाता है और अखंड रामायण के पारायण के साथ में विसर्जन के दिन हवन किया जाता है और महाप्रसादी का वितरण किया जाता है। भरवेली क्षेत्र के ग्राम धनसुआ में एक व्यक्ति गूंगी बहरी और मानसिक रूप से विक्षिप्त लड़की के साथ दुराचार कर फरार हो गया। पुलिस ने मंडला जिले के निवासी इस व्यक्ति के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया है। इस व्यक्ति ने उस मानसिक रूप से विक्षिप्त लड़की के साथ यह दुराचार उस समय किया जब घर में लड़की अकेली थी और उसके परिजन परहा लगाने गए हुए थे। सुपर हीरोज के तत्वाधान में मंगलवार से भरवेली फुटबॉल चैंपियन लीग की शुरुआत की गई। भरवेली के दुर्गा मैदान आयोजित इस प्रतियोगिता के उद्घाटन में 2 मैच खेले गए, जिसमें पहला मैच सुलकेश एवेंजर्स और पिटानिया पेंचर के बीच खेला गया, जिसमें पिटानिया पेंचर ने 2-0 से जीत दर्ज की। इसी तरह दूसरा फुटबॉल मैच नंदा गवली बुल्स और अली बलियर के मध्य खेला गया, जिसमें उम्दा प्रदर्शन करते हुए नंदा गवली बुल्स ने 2-0 से प्रतिद्वंदी टीम को मात दी। बुधवार को इसी मैदान में 4 मैच होंगे, जबकि प्रतियोगिता का समापन 6 अगस्त को किया जाएगा। अपने साथियों से
अंतर से खिलाड़ी और वहाँ मतभेद होते हैं, मुझे देखना है कि आप किस तरह के खेल का प्रदर्शन करते हुए साथी खिलाड़ी अपने पास को लगातार बढ़ाते हुए और पुतलिया पहनकर आप प्रहार में काफी आगे होते हैं। ये सुपर हीरोज के तत्वावधान में BFCL बालाघाट जिले में पहली बार एक फुटबॉल लीग का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे ग्राम की भरवीली हीरापुर के जो प्लेयर हैं, जो छुपे रहते हैं, बड़े खेलों में खेलने का मौका नहीं मिलता, उन लोगों के लिए जो हमारे भरवीली में फुटबॉल का सबसे ज़्यादा क्रेज़ है और जो प्लेयर बड़े टूर्नामेंट नहीं खेल पाते, तो उन लोगों के लिए ये आयोजन रखा गया है कि वो सारे इस टूर्नामेंट में भाग लें। कितने दिवसीय कार्यक्रम है ये? 6 दिन का कार्यक्रम, 6 दिन, 1 तारीख से स्टार्ट है आज से और 6 तारीख को इसका फाइनल। कितने टीमों ने भाग लिया टूर्नामेंट में? भाग लिया जिसके सभी टीमों को यहाँ पे ऑनरशिप कर रहे हैं। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बैहर नगर परिषद के चुनाव में पार्टी प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले देवेंद्र उइके भाजपा से निष्कासित। पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण जुगल पांडे भी 6 साल के लिए निष्कासित। कलेक्टर DV सिंह ने 5 अधिकारियों पर लगाया 10,750 रुपए का जुर्माना। प्रभारी प्राचार्य ने पद से इस्तीफा देने 6 बार सौंपा नगर पालिका प्रशासन को आवेदन, नहीं मिली मंजूरी। मामला MGM स्कूल का। 18% GST टैक्स लगने पर शासकीय ठेकेदारों ने खोला मोर्चा। एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर जिला प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। कलेक्ट्रेट में हुआ हाईटेक जनसुनवाई का आयोजन, पीड़ितों की सुनी गई फरियाद। और PG कॉलेज में व्याप्त समस्या को लेकर NSCI ने सौंपा ज्ञापन। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। और अब पद्मेश न्यूज की खबरों से आप ऑनलाइन भी जुड़ सकते हैं, बस लॉग ऑन करिए www.balaghatexpress.in पर। तो आज बुलेटिन में बस इतना ही, अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।